देखिए, कल इसी चैप्टर में हम आपको बताए थे कि एल्केन्स क्या होता है और एरिन्स क्या होता है, दोनों चीज हम बता दिए थे। और आज आप सीखने वाले हैं कि जो हाइलोजन होता है उस हाइलोजन को वर्गीकरण करेंगे। तो याद कीजिए कि हाइलोजन को अगर वर्गीकरण करें तो हम मोनो बोल सकते हैं, डाई बोल सकते हैं, ट्राई बोल सकते हैं, पॉली बोल सकते हैं, ये हम बात कल पढ़ा दिए थे। और आज आप इसका वर्गीकरण करने वाले हैं कि जो मोनो हाइलोजन होता है, यानी कि एक हाइलोजन जब लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो, दो लगता है तो डाई, और तीन को हाइलोजन लग जाता है तो ट्राई। तो मोनो हाइलोजन का भी वर्गीकरण होता है। यदि आप मोनो हाइलोजन का वर्गीकरण कीजिएगा तो कितने तरह से होगा, तो देखिए जनरली मोनो हाइलोजन दो तरह से होगा, एक आपको sp3 और एक होता है sp2। sp3 क्या है, sp2 क्या है, आप समझिए। ऐसे sp3 जो संकरण होता है ना, बनता कैसे है, इसको बनाते कैसे हैं, इस पे स्पेशल वो हम वीडियो इससे पहले वाली जो क्लास थी ना उसको हम बताए थे, यानी कि एक वीडियो इस पे बना हुआ है स्पेशल, आप जाकर अगर चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ तो वहां मिल जाएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाता है, आप चाहो तो देख सकते हो वहां से। लेकिन याद रखिएगा कि sp3 का हम आप लोग के भी एक क्लास स्पेशल लेंगे कि संकरण बनता कैसे है, लेकिन आज आप मोटा मोटी ये समझिए कि sp3 क्या है। तो जब s कक्षक और दो को पी कक्षक, अगर एक एस कक्षक और दो को पी कक्षक मिलेगा तो उसको sp2 बोलेंगे, और जब एक को एस कक्षक और तीन को पी कक्षक, समझना रही बात, एक को एस कक्षक और तीन को पी कक्षक मिलेगा तो उसे बोलते हैं sp3। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि sp3d आ जाता है, sp3d आ जाता है, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन आप समझिए कि अगर sp3d आ जाए, sp3d आ जाए, तो इसको कैसे कहेंगे, तो एक s कक्षक, तीन को p कक्षक और डी कक्षक एक को मिलकर के संकरित होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं sp3d संकरण। लेकिन ये बनता कैसे है वो हम आपको स्पेशल एक क्लास लेंगे उसका, और उसमें हम बताएंगे, उसमें पूरी क्लास इसी पर चर्चा होगी। लेकिन आप समझिए कि sp3 कक्षक में जब वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग मोनो को, तो डाई को भी करेंगे, ट्राई को भी करेंगे और पॉली को भी करेंगे। तो याद रखिए आज जो आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, मोनो हाइलोजन के बारे में। तो मोनो हाइलोजन के सबसे पहले हम लोग देखते हैं sp3। तो sp3 संकरण जो भी कार्बन होगा, जो भी कार्बन होगा उसके साथ एक्स जुटल होगा, और वाला कार्बन भले याद कीजिए एलिफैटिक वाला भी होगा और एरोमैटिक वाला भी, यानी कि हैलो एल्केन्स भी होगा और हैलो एरिन्स भी, क्योंकि एलिफैटिक से हैलो एल्केन्स बनता है और एरोमैटिक से हैलो एरिन्स बनता है। तो हैलो एल्केन में भी एक्स लगा था और हैलो एरिन्स में भी एक्स लगा था, लेकिन हैलो एरिन्स की पहचान था AR और जबकि हैलो एल्केन का पहचान था एक्स, मतलब वो वाला R X। तो यहां पर देखिए यदि आप sp3 को अगर संकरित sp3 संकरण के अनुसार आप बांटिएगा तो दो तरह का, एक एल्किल हैलाइड और एक बेंजेलिक हैलाइड। देखिए sp3 संकरण में कार्बन जो है ना वो किससे जुटेगा, हाइलोजन समूह से, तो ऐसे यौगिक दो तरह का होता है, यानी कि sp3 CX आवंध युक्त यौगिक जो होता है इसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जबकि मोनो हाइलोजन को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में, कौन कौन, तो sp3 CX आवंध और एक sp2 CX आवंध। और sp3 CX आवंध को कितने तरह से, दो तरह का, एक एलिलिक हैलाइड और एक बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसको कहेंगे, तो आप समझिए कि एलिलिक हैलाइड किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आप समझिए कि sp3 संकरण किसको कहेंगे, तो sp3 जो संकरण होता है ना वो sp3 जहां पर कार्बन संकरित होगा उस कार्बन से यदि हाइलोजन जुटल रहेगा तो उसे हम लोग कहते हैं sp3 संकरण, उसे हम लोग कहेंगे sp3 संकरण। और इसमें आप समझिए कि ये दो तरह के कौन कौन होगा, तो एलिलिक हैलाइड, तो एलिलिक हैलाइड किसको कहेंगे, तो कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और
इसके साथ डबल बॉन्ड होगा और इसके साथ जिसका कार्बन होगा ना, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, तो वो जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। याद रखिएगा कि जिस हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन आगे कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन कितना होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ल है तो एकर आगे यानी कि एक बगल वाला ये वाला कार्बन होगा, तो एक कार्बन इसके साथ किससे जुड़ना चाहिए, डबल बॉन्ड से। तो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ना तब इसको हम लोग बोलेंगे एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और जो हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उस कार्बन को sp3 संकरित होना चाहिए। तो बताइए तो कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ल है तो इसका संकरण कितना होना चाहिए, sp3। और sp3 के पहले वाला जो कार्बन होगा यानी इधर वाला, उसके बीच में कितना बॉन्ड बनना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड है कि ना है, तो इसे हम लोग बोलेंगे sp3। और याद रखें कि ये sp3 है तो ये sp2 होगा, sp2। इसको जब हम बनाएंगे ना तो आपको हम बताएंगे कि डबल बॉन्ड बनेगा तो कितना होगा, ट्रिपल बनेगा तो कितना होगा, सिंगल होगा तो कितना होगा, वो आप सब समझ जाइएगा। आप नॉर्मली आप समझिए sp3 तत्काल में किसको कहते हैं, तो जो जिसमें एक को एस कक्षक और तीन को पी कक्षक, sp3 हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन दिया बंध बनेगा और जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा उस पे कितना बनना चाहिए, sp3। तो कार्बन कार्बन दिया बंध तथा तथा जिससे जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक समझ जाओगे ना, हाइड्रोजन जुड़ेगा जुड़ेगा वह sp3 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका sp3। देखिए हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा था, क्या है sp3, और एक बगावा वाला क्या होना चाहिए, sp2 वाला, यानी कि ये डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, ऐसे यौगिक को एलिलिक हैलाइड। दूसरा क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड, या इसी का एक नाम और है एरिलिक हैलाइड। तो ये जो पढ़ाई है ना सेम पढ़ाई ये भी है, खाली यहां पास याद रखिएगा कि इसमें बेंजीन आ जाएगा, इसमें रिंग आ जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। ऐसे इसमें भी रिंग आता है, इसमें भी रिंग आएगा, यानी बेंजीन इसमें भी आएगा, इसमें टेंशन लेना नहीं है। लेकिन इसमें आपको एलिफैटिक नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इसमें क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा। तो एलिफैटिक वाला इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसमें एरोमेटिक वाला आ जाएगा, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। तो इसमें बेंजिलिक हैलाइड क्या बात की जाए तो एरिलिक हैलाइड। और इसमें क्या होता है कि बेंजीन जो रिंग होता है वो सीधा जुड़ा होता है किससे, हाइड्रोजन वाले कार्बन से, हाइड्रोजन वाला कार्बन से। और जो हाइड्रोजन वाला कार्बन से जुड़ा रहेगा वो sp3। जैसे मैं यहां पर सब देखिए, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, sp3 है। तो इसमें भी तो ये नियम फॉलो करवे करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है कितना होना चाहिए, sp3। तो ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये कार्बन, इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3। लेकिन जो आगे कार्बन है वो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो बताइए तो कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, आगे में कितना है, डबल बॉन्ड है कि ना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। लेकिन इसका नाम बेंजिलिक इसलिए पड़ जा रहा है कि इसमें जो इस CX जुड़ा हुआ है, CX आवान जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ल है। तो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ल है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर, यानी कि sp3 CX आवंध युक्त यौगिक किसको कहेंगे। तो इसमें जो CX आवंध होता है डायरेक्ट किससे जुड़ना चाहिए, sp3 संकरण से। तो देखिए sp3 संकरण से डायरेक्ट जुड़ल है CX, यहां भी देखिएगा तो डायरेक्ट जुड़ल है कि नहीं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, sp3 CX आवंध युक्त। लेकिन ये भी दो तरह का, एक एलिलिक और एक बेंजिलिक। बेंजिलिक में क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ जाता है, जबकि एलिलिक से क्या होता है, एलिफैटिक से एरोमेटिक से दोनों से जुड़ जाता है। यहां पर याद रखिए, ठीक है। अब इसी का sp2 संकरण देखते हैं। तो sp2 संकरण में क्या होगा कि एक गो एस कक्षक और दो गो पी कक्षक दोनों मिल करके क्या बना देगा, sp2। तो sp2 में भी वही पढ़ाई जो इसका पढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा समझिएगा,
ये दो तरह का, एक विनाइलिक हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एरिलिक हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड में आप देखिएगा तो विनाइलिक हैलाइड कहेंगे किसको, तो हाइलोजन परमाणु द्विआवंद युक्त कार्बन परमाणु यानी कि सी और डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ल रहेगा। तो बताइए तुम कि ये जो कार्बन है sp2 इसके बीच में डबल बॉन्ड है कि ना है, और sp2 वाला जो कार्बन है ओकरा से कौन जुड़ल रहना चाहिए, तो sp2 वाला जो है ओकरा से सीधे कौन जुड़ल रहना चाहिए, हाइलोजन परमाणु, हाइलोजन परमाणु जुड़ल रहना चाहिए। याद कीजिए तो कि ये हाइलोजन परमाणु किससे जुड़ेगा, sp2 संकरण वाला कार्बन से, तो ये वाला sp2 संकरण है कि नहीं, तो ये sp2 है तो एकरा से डायरेक्ट कौन जुड़ गया है, हाइलोजन, तो हाइलोजन जुड़ गया है तो इसे हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। और यही वाला चीज जब आपको बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड, इसे क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। देखिए यहाँ बेंजीन सॉरी हैलोजन और यहाँ पास क्या बनेगा, ये वाला कार्बनवा के पास क्या बनेगा, sp2, तो sp2 से डायरेक्ट जुड़ल है, और sp2 जेकरा से जुड़ल है उसके बीच में कितना बन रहा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ जहां जहां आपको बैंड दिख रहा है ना सबके पास क्या होता है, कार्बन। ये सब तो नया चीज नहीं है आप लोग के लिए, ये क्या होता है, कार्बन यहाँ रहता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन sp2 संकरित है और डायरेक्ट ये किससे जुड़ल है, हाइलोजन से, तो इसे क्या बोल देंगे, एरिल हैलाइड। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि हाइलोजन परमाणु बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग एरिल हैलाइड कहते हैं। तो ये आपका एरिल हैलाइड। अब किसका वर्गीकरण हम किए हैं, मोनो का, और इसके बाद आपको किसको देखने के लिए मिलेगा, डाई का, इसके बाद डाई का, और डाई के बाद ट्राई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद पॉली हो जाता है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका नामकरण, नॉमिनिक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप इसको राइट कीजिए।